श्री गणेशाय नमः। कहने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये अध्यात्मिक एवं तार्किक चैनल है। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण के वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम कुछ धार्मिक अध्यात्मिक के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। ये बहुत ही पुण्यशाली है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। प्रथमा स्कंद प्रथमाध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथमाध्याय श्लोक 109 का हिंदी अनुवाद। श्री सुत जी ने शुनकादि ऋषियों का प्रश्न मंगलाचरण जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सदु पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण गर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से जिसने उस वेद ज्ञान का दान दिया है, जिससे संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वैसे हमारे नारायण भगवान सब जानते हैं, प्रत्यक्ष हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे जिसमें त्रिगुणमयी जागत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सता से सत्य उत्पत्ति हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कारण से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वासुदेव के द्वारा निर्विदेश श्रीमद् महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित, क्षमा कीजिएगा, महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत के महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धैर्य धर्म का निरूपण हुआ है। हम लोग समझते हैं महर्षि वेद व्यास जी जो है हमारे पहले गुरु है, जिसने 18 पुराणों की रचना की थी। उस वेद व्यास जी को हम सुबह में भी अगर नाम स्मरण करते हैं तो हमारा पूरा दिन शुभ जाता है। इसमें शुद्धाकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और पलम प्रयाग देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष से श्रवण इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अति लंबा उनके हृदय में जाकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मग्न भक्तजना यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कर्तव्य का पक्का हुआ फल है। श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी भगवान रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंद शुदा से परिपूर्ण हो गया। इसमें छिलका गुटली आदि त्याजंश तनिक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। शिव रस भगवान नाम रूपता से जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पाठ करते रहो। यह पृथ्वी पर भी सुलभ है। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु ओम नमो श्री नारायणाय फिर से बोलिए, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक बार मंत्र जाप सुन लो आप, सुबह शाम पढ़ने से बहुत पुण्य के भागी बनते हैं। ओम नमो श्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो श्री विष्णु प्रचोदयात। साथ में महालक्ष्मी माता जी का भी, ओम महादेवी विद्महे विष्णुपति धीमहि तनो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात। इस नाम का शुभ में स्मरण करते रहिए। अभी कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान विष्णु यम देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शुनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्यकृतों से निरुक्त होकर सूर्य का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूर्य आप निष्पाप है, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। देवताओं में भी श्रेष्ठ भगवान बात नारायण ने यह भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने और दूसरे मुनियों ने भी जो कुछ जाना है उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा है, सरल सुधे शिष्य आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त
बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके ये बतलाइए कि इन सब शास्त्र पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलियुगी जीवों में के परम कल्याण का सहस्त्र साधन आपने क्या निश्चय किया है। ये हुआ पहला भाग, संक्षिप्त में बताया गया है। श्री भगवत महापुराण प्रथम संघ का पहला भाग, श्लोक 10-29। आपसन समाज के अपोषण है। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है, ही समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही ये नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से गिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं पर उनमें एक निश्चित साधन नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। अभी समझ मित्रों कि जब भागवत महापुराण की रचना जब नहीं हुई थी उस वक्त श्री वेदव्यास जी 18 पुराण रचने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। तो नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप एक महाभगवत महापुराण की रचना कीजिए। ये भगवान ने कहलाया था नारद जी थ्रू, नारद जी के कि आप भगवत महापुराण की रचना कराइए। तो भगवान जी भगवत व्यास जी ने भगवत पुराण की रचना की और कहा, आप कर्म प्राप्ति अपने बुद्धि से उनका सार निकाल कर प्राणियों से परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमें अंतकरण को शुद्ध प्राप्ति हो। प्यारे सुध जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक पत्र उत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपति देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए इसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण उनके भगवत प्रेम की सुमति के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के खुद चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं तो शिक्षण से मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। डरता नहीं, क्योंकि भगवान की माया है, भगवान का बनाया हुआ ये सूची। परम वितरक और परम शांत बुद्धिजन भगवान के श्री चरणों के शरण में रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते होंगे ना। भगवान स्वरूप है। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। भगवान का नाम स्मरण तो कलि काल में प्रत्यक्ष है। जिसे नाम लेते हैं उसे पुण्य बढ़ता है। इसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का अभिमान करते रहते हैं उन भगवान का कलि मल्हारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्मा ने उनके उदार कर्मों का अभिमान किया है। हम श्रद्धालु के प्रति आप उनका ग्रहण कीजिए। बुद्धिमान शुभ जी शिव समर्थ लोगों की योग्य माया से कृष्ण लीला करते हैं। आप उन श्रीहरि की मंगलमय कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य किसी भगवान की लीला सुनने से ही हमें कभी तृप्त नहीं हो सकती, क्योंकि समग्र श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने छिपाए हुए लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएँ भी की है, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर ईश्वर से वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन क्षेत्र का संकल्प करके बैठते हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। इससे पार पाना कठिन जाने वालों जेते द्वारका को कर्ण धार मिल जाए। इसी प्रकार परमात्मा श्री हरि नो पोतानो निवास स्थान से भगवान सौथी वधारे कृष्ण अवतार में रहया। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त जो कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने उसकी शरण ली। यह बताइए अब देखिए आगे का शेष भक्त कल हम सुनेंगे भगवत महापुराण की रचना में पहला अध्याय 1-20 श्लोक का पठन आज हुआ। ओम नमो श्री नारायण नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और साथ में सबका जरूर कीजिए। आपका हौसला ही हमारे धार्मिक ज्ञान को बढ़ाता है और आपको हम बांटते रहते हैं। आपका और एक बार धन्यवाद। ओम नमो नारायण।